नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर लॉ फॉर ऑल पर्पस पे। वुमेन इन क्रिमिनल लॉ के काफ़ी हिस्सों को हमने देख लिया है। इसमें हमने इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पॉडिसाइड एक्ट और इसके अलावा उसके सिलेबस में आईपीसी के एक तमाम सेक्शंस हैं। आज इनके उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सबसे पहले यदि हम देखें तो सद्भावना की परिभाषा उसमें आती है सेक्शन 54 में कि कोई भी कार्य सद्भावना पूर्वक किया गया नहीं कहा जाएगा यदि वह सम्यक सतर्कता और सावधानी के साथ ना किया जाए। तो सद्भावना सबसे पहले है और वैसे भी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध होने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति की मानसिकता भी अपराधी होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति यदि बिना आपराधिक मानसिकता के कोई कार्य करता है तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, उनको हम सामान्य अपवाद की श्रेणी में रख सकते हैं। जनरल एक्सेप्शंस जो दे रखे हैं सेक्शन 76 से लेके 106 तक में हैं। वहीं दुष्प्रेरण की बात करते हैं 107 से 120 तक में दिया गया है, अबेटमेंट जिसको कहते हैं। वहीं आपराधिक षड्यंत्र है 120A और 120B में। विधिवत जमाव की बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वुमेन क्रिमिनल लॉ का उसमें है सेक्शन 359 से 369, मतलब एबडक्शन एंड किडनैपिंग, अपहरण और व्यापहरण। तो उसके बारे में हम जानते हैं कि व्यापहरण क्या है, अपहरण क्या है। किडनैपिंग मतलब किड्स की नैपिंग, जिसकी जिसमें यदि पुरुष बालक है तो उसकी उम्र 16 वर्ष से कम, बालिका है तो 18 वर्ष से कम, उसको बहका के फुसला के या जबरदस्ती ले जाता है कोई। और दूसरा वही है विधिपूर्ण संरक्षकता में से ले जाना, लॉफुल गार्जियनशिप में से उसको बाहर ले जाना। और जो आपकी एबडक्शन है जिसे हम अपहरण कहते हैं, वो किसी का, किसी भी उम्र के व्यक्ति का हो सकता है, उसमें विधिपूर्ण संरक्षकता की आवश्यकता नहीं है। तो इस पोर्शन में 364A जो ऐसा सेक्शन है जिसमें फिरौती मांगने के लिए किसी व्यक्ति का यदि व्यापहरण या अपहरण किया जाता है तो मृत्युदंड तक का प्रावधान है। इसके अलावा 375, 376, 377 और 375 मतलब रेप बलात्कार है, 376 में उसका दंड ही प्रावधान है और जिसको अमेंडमेंट के माध्यम से बढ़ा के महावी मृत्युदंड तक कर दिया गया है। मिनिमम 7 वर्ष और मैक्सिमम आजीवन कारावास और मृत्युदंड की व्यवस्था की गई है। 377 है अननेचुरल ऑफेंसेस की बात करते हैं, अप्राकृतिक मैथुन के बारे में बात करते हैं, जो विधि के व्यवस्था के विपरीत यदि कोई ऐसे कार्य करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। तो ये 377 भी हमने देखा। इसके अलावा 312 से 318 में गर्भपात के बारे में है कि किसी भी कंडीशन में यदि माँ या स्त्री की प्राण की रक्षा के अलावा और स्त्री की इच्छा की सम्मति से भी किया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा, उसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है 312 से 318 में। ये बढ़ने थे हत्या है 302 में। वहीं कल्पेबल होमिसाइड की बात करते हैं 299 में एक्चुअल में। और इसके अलावा आपका वो 320 है, 319 है जो बात करता है साधारण उपपत्ति और घोर उपपत्ति के बारे में। ये सेक्शंस के बीच में आते हैं इसलिए हमको इनको डिफाइन करना पड़ता है। बाकी डिटेल में यदि हम इनको देखेंगे तो जब भारतीय दंड संहिता के लेक्चर्स चलेंगे, भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860, उसमें हम इनको डिटेल से और गहराई से समझेंगे। इसके अलावा क्या बसता है हमारा, लूट डकैती की बात भी इसमें आती है, चोरी की बात भी आती है, लेकिन हम उसको डिटेल में यहाँ नहीं लेते हैं। इनको जहाँ जहाँ उनकी आवश्यकता हुआ होती है वहाँ हम लेते हैं। स्त्री की लज्जा भंग की बात आती है सेक्शन 354 में। सेक्शन 509 है जहाँ पर आपराधिक अभिद्रास से संबंधित है और अंग विच्छेद के माध्यम से किसी स्त्री की का शिष्टता का भंग करने के बारे में बात है। 292 है जो असली साहित्य को दिखाने से संबंधित है, जो हमारे अपने सिलेबस से संबंधित है। 354A, 354B, 354C और 354D ये नए जोड़े गए हैं जो महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए आवश्यक थे। वहीं पे आपका 498A है जो क्रुएल्टी के बारे में बात करता है कि एक महिला के साथ यदि क्रुएल्टी उसके नातेदार उसके परिवार के पति की नज़र करते हैं तो क्रुएल्टी की श्रेणी में आएगा। मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है और आर्थिक हो सकती है।
भाई 304B है जो जिसमें मिनिमम 7 वर्ष तक का कारावास और आजीवन कारावास तक की व्यवस्था की गई है, और जिसमें 304B है जिसमें दहेज हत्या की बात की गई है, दहेज के लिए क्रूअल्टी के साथ किसी उसके पति और पति के नातेदार उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व है और उसकी मृत्यु जलने से या असमय हो जाती है और विद इन 7 ईयर्स ऑफ हर मैरिज देन वो क्या कहलाती है, दहेज हत्या की श्रेणी में आ जाती है 304B 498A। वहीं दुर्व्यवाह की बात करते हैं 494, जारकर्म की बात करते हैं 497। तो ये सब आपके सिलेबस के अंतर्गत हैं जो वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ में हमने देखा। तो IPC के ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिनको हमने गहराई में अभी तक नहीं देखा है, लेकिन IPC का जब लेक्चर चलेंगे उसमें हम आराम से इनको देख लेंगे। तो ये इन सबको यदि हम लेके तैयार करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा सिलेबस तैयार हो जाता है जो वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ का है। स्त्री महिला एवं आपराधिक विधि। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक एक टॉपिक के साथ IPC के हम इनको डिटेल करेंगे और डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।